तू झुक के प्यारे नबी के दर पे रो रो के मेरा सलाम कहना। तू झुक के प्यारे नबी के दर पे रो रो के मेरा सलाम कहना। पकड़ के जाली नबी के दर की रो रो के कहना खड़ा सवाली। अली का घराना बड़ी शान वाला, अली का घराना बड़ी शान वाला, अली का घराना बड़ी शान वाला। हसन का विनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी लंबी उम्र करे, आमीन सुमा आमीन। व्यूअर्स, इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज। और सुबह सुबह का टाइम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और बेगम साहिबा सुबह सुबह लग गई है जी, ये देखें किसी काम में। अब ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्या करने वाली है और ये सब बेगम साहिबा ही बताएगी। हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इधर सुबह सुबह का टाइम है, हमने नाश्ता कर लिया है और बाकी का जो घर का काम है वो मैंने अभी रख दिया है क्योंकि आजकल धूप काफ़ी तेज़ निकल रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैंने सोचा ये जो है ना ये काम सबसे पहले करते हैं। और इधर तो वो जो हमने चूल्हा बनाया था वहाँ पर जो है ना सारी तिड़कें पड़ गई हैं, तो ये गोबर और मिट्टी को मिक्स करके ना फिर ऊपर जो है ना दूसरा लेप भी लगाना पड़ेगा हमें। हाँ जी, तो उससे जो है ना मतलब के चूल्हे की तिड़कें भी ख़त्म हो जाएंगी और सफाई भी लगेगी चूल्हे पे। सही हो गया। ये देखें जी, बेगम साहब ने यहाँ पे मिट्टी बना के रख दी है और इसके ऊपर जो है ना गोबर कुछ डाल दी है। और ये गोबर तो कम है यार, और लेने जाना है अभी नहीं। अच्छा, कहाँ से लेके आ रही हो? खालक मिलेगा। चलो चलो ले आओ, ले आओ, ले आओ। व्यूअर्स, अभी बेगम साहिबा जा रही है जी गोबर लेने, गोबर लेके जैसे ही वापस आती है तो फिर मिलते हैं। व्यूअर्स, ये जो कच्चे कमरे वाला बाबा जी है वो भी, वो सामने देखें इधर उधर की सफाई कर रहा है और बेगम साहिबा सामने आ रही है जी गोबर उठा के। नहीं 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 नहीं, मोटर नहीं चलानी। वजन है? अच्छा, हाँ डालो। काफी है। अब मैं मिक्स करूँ या आप करती हो? आप मुझे उसके साथ मिक्स करती हो। और इधर अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की है, तो सभी ने किचन को पसंद किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब कि ऐसे बनने में हौसला आ जाता है। सही बात है। आप मिक्स करें, मैं पानी भर के लाती हूँ। चलें जी लाएं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली।
पकड़ के जाली नबी के दल की, रो रो के कहना खड़ा सवाली। ये हाल देना मेरे खैरल बशर को, कहानी मेरी तमाम कहना। ऐसा बातू मदीने जाके नबी से मेरा सलाम कहना। तू झुक के प्यारे, तू झुक के प्यारे नबी के दर पे, तू झुक के प्यारे नबी के दर पे, रो रो के मेरा सलाम कहना। सुनो बेगम साहिबा, मजीद कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा जी। अली का घराना बड़ी शान वाला, अली का घराना बड़ी शान वाला, अली का घराना बड़ी शान वाला। हसन का भी नाना बड़ी शान। क्या ही बात है। और रिवर साहब, आपको एक बात बताती चलूं, ये जो मिट्टी है ना, मुल्तानी मिट्टी से भी कई गुना मतलब के सही है, जबरदस्त मिट्टी है। अच्छा जी। वो ऐसे लगता है जैसे बंदा ना मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा रहा हो। सही बात है जी। तो ये हो गया जी हमारे किचन का फाइनल लुक। नहीं फाइनल अभी तो नहीं हुआ। हाँ जी। और रिवर्स अभी इसके ऊपर और भी काफी सारा हमने काम करना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही मतलब कि होता रहेगा। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। आप लोगों ने कमेंट में बताना है, जैसे कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की थी, तो आज भी आप लोगों ने व्लॉग में बताना कि ये लिपाई आपको कैसी लगी और आज किचन की लुक कैसी लग रही है, आप लोगों ने कमेंट में लाजमन बताना है। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।